2023 अपने आखिरी पड़ाव पर है और दिसंबर का महीना दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। नया महीना कल से शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने काम को लास्ट मोमेंट तक टालते हैं तो संभल जाए, क्योंकि फाइनेंशियल कामों के लिए अब आपके पास महज एक महीना ही बचा है। आइए जानते हैं कौन से वो काम हैं जिनका निपटारा आपको साल खत्म होने से पहले करना होगा। बैंक लॉकर की डेडलाइन। आरबीआई ने रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट को सिलसिलेवार तरीके से निपटाने के लिए 31 दिसंबर 2023 की आखिरी तारीख तय की है। आधार कार्ड अपडेट। UIDAI की वेबसाइट के मुताबिक अगर आपने पिछले 10 सालों में अपनी आधार डिटेल्स अपडेट नहीं की है तो आप इसे 14 दिसंबर तक फ्री में कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक इनएक्टिव UPI ID होगी बंद। NPCI ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे पेमेंट एप्स और बैंकों से उन UPI ID और नंबरों को बंद करने के लिए कहा है जो एक साल से ज्यादा टाइम से एक्टिव नहीं है। म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपने अभी तक अपना नॉमिनी नहीं बनाया तो ये काम भी आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले पूरा करना होगा, वरना आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। SBI अमृत कलश योजना। SBI ने अपने अमृत कलश स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम के इन्वेस्टमेंट की समय सीमा बढ़ा दी है। 7.10% से ज्यादा ब्याज दरों वाली FD का बेनिफिट अब 31 दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है।